हिंदू धर्म में नवमी का अत्यधिक महत्व है। इस बार सीता नवमी 16 मई को आ रही है। इस दिन विधि विधान से पूजन करने से माता रानी की कृपा बनी रही है। आइए पंडित जी से जानते हैं कैसे पूजा करेंगे। सीता नवमी, सीता जयंती 16 मई को ऐसा पावन पर्व आ रहा है जिस दिन माँ सीता जी पृथ्वी में से प्रकट हुई थी, जनक जी महाराज को वह प्राप्त हुई थी। ऐसी पावन नवमी हम सभी को प्राप्त हो रही है। इस शुभ अवसर पर जिनका विवाह में विलंब हो रहा है वह माँ सीता जी का पूजन करें, जिससे कि शीघ्र विवाह उनका संपन्न होगा। प्रेम विवाह यदि चाहते हैं और उसमें बाधा आ रही है तो भी माँ सीता जी का सुबह सुबह उठ करके ओम श्री रमाभ्याम नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ सीता जी का पूजन कर सकते हैं। आर्थिक समस्या जिसके जीवन में है वह भी सीता महारानी का, जगत जननी माँ लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक पूजन कर लक्ष्मी जी की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संकट हो, भूमि प्राप्ति कोई चाहता है तो जगत जननी माँ सीता भूमि में से उत्पन्न हुई थी, उन्हीं से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी मैया सीता हमें भूमि भवन आदि की प्राप्ति कराएं और माँ जानकी आपके जीवन में सुख संपत्ति वैभव प्रदान करेंगी। श्री अनुकूल सी अही हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जब जानकी जी महारानी राम जी से विवाह करती है तो माँ गौरी जी का पूजन करती है और जिसके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या है वह सीता जी का पूजन करे, जिससे कि उसके जीवन में वैवाहिक समस्या, वैवाहिक में जीवन में जो भी समस्या है उसका अंत हो और माँ जानकी जी का कृपा प्रसाद उसको प्राप्त हो, श्री राम जी महाराज का कृपा प्रसाद उसको प्राप्त हो। ऐसे ही माँ जानकी जी का सुबह पूजन करें, वंदन करें, उनको हार फूल फल प्रसाद प्रदान करें और आरती उतार करके माँ जानकी जी का पूजन करें। जय श्री राम।